सो अब नहीं होंगे बर्ड आपके बीमार। सो हेलो गाइज, मैं हूँ रोहित गुप्ता भोपाल से और वेलकम करता हूँ आपका आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल भोपाली बर्ड लवर्स में। दोस्तों ये दोस्तों, अगर एक आप बर्ड लवर हैं और बर्ड को अगर आप पालते हैं और बर्ड से प्यार करते हैं दोस्तों और अच्छे बर्ड पालना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ बताऊँगा नहीं, केवल रिव्यू करके दिखाऊँगा कुछ मेडिसिन में लेकर आए। तो हाँ जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये कुछ मेडिसिन के कॉम्बो में यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो ये कॉम्बो का मैंने बहुत सुन रखा था दोस्तों इनके बारे में, इन कॉम्बो के बारे में मैंने बहुत सारी इनकी तारीफें सुन रखी थी कि अगर आप अपने बर्ड्स को जो है इन्हें यूज़ कराते हैं तो आपको कुछ भी यूज़ कराने की ज़रूरत नहीं है, आपका बर्ड जो है वो फूल कर नहीं बैठेगा। अगर आपका बर्ड फूल रहा है तो वो उसकी वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर आपके बर्ड में इनफर्टिलिटी आ रही है, अंडे वगैरह नहीं दे रहा, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। सबसे पहले तो मैं हेल्थ की बात कर लेता हूँ, मतलब हेल्दी पूरी तरह से रहेगा आपका बर्ड, फूल कर नहीं बैठेगा, पिंजरे में चिपका रहता है तो चिपका नहीं रहेगा, कोने में सुन बैठा रहता है बर्ड, वो प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। मतलब बर्ड की फुल एक्टिविटी जो है यहाँ पर होना स्टार्ट होने वाली है। मेरी इस कॉलोनी में भी आप कुछ पीछे बर्ड देख रहे होंगे, यहाँ पर कुछ बर्ड आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। अभी गर्मी के कारण हमने इन्हें केज में रख लिया और इनको हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं अभी गर्मियों के दिनों में, पर जैसे ही ब्रीड चालू होगी तो हम इनसे ब्रीड लेंगे दोस्तों। पर अभी कुछ बर्ड मुझे थोड़े से बीमार लग रहे थे तो मैंने भी दोस्तों ये कॉम्बो यहाँ पर मंगा लिया है पूरा, और ये कॉम्बो मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे। अभी इसकी फुल रिव्यू मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये किस तरह का है, क्या है, डिटेलिंग से इसके बारे में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी जो है आप स्किप मत करिएगा, अपने दोस्त भाइयों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। तो इसके अंदर दोस्तों ये सब चीज़ें भी प्रॉब्लम आपकी हल हो जाएगी कि अगर फर्टिलिटी नहीं आ रही है आपके बर्ड्स के अंडों में, फर्टिलिटी कम हो रही है, आपके बर्ड्स के जो अंडे आते हैं पर उसके अंदर बच्चे नहीं बन रहे, बच्चे बन रहे तो पल नहीं पा रहे हैं, फैदर उनके अच्छे नहीं आ रहे हैं, पंखों की क्वालिटी खराब हो रही है, सब कुछ इसके सॉल्यूशन के अंदर दोस्तों आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को करते हैं दोस्तों स्टार्ट। पर उसके पहले जिन दोस्तों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को करिए सब्सक्राइब दोस्तों, वीडियो को करिए एक लाइक, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम अभी तक अपने बर्ड्स को कौन सी मेडिसिन यूज कराते थे। तो ये आप यहाँ पर कुछ मेडिसिन रखी हुई है वीडियो में आप देख सकते हैं। तो ये कुछ मेडिसिन दोस्तों हम यूज कराते थे अपने बर्ड को, जिसमें पहली बड़ी वाली टॉनिक आपको दिख रही होगी लिप 52। खैर ये वेटनरी में आती है, इसके बगल में जो आपको एक टॉनिक दिख रहा होगा ये है आइबुप्रोफेन करके है। तो दोस्तों ये जो है आइबुप्रोफेन का सस्पेंशन होता है बुखार के लिए, ह्यूमंस में यूज़ किया जाता है, तो इसको भी हम यूज़ कराते थे दोस्तों। पर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अब ये ह्यूमन के मेडिसिन को हम यूज़ कराना बंद करेंगे, और जो अभी मैं जो कॉम्बो लेकर आए हैं वो टोटली बर्ड्स के लिए ही बना है और बर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए उसको बनाया गया है। अगला आप देख सकते हैं फ्लेजल वगैरह, उसके बगल में ये सब चाइना क्यू मेडिसिन, विमरल जो है, चलिए ये तो बर्ड्स का ही होता है या फिर ये जानवरों वेटनरी में ही आता है। और इसके बगल में आप देख सकते हैं ईवियन का जो कैप्सूल है वो यूज़ करा रहे थे। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हम यूज़ करा रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ों को दोस्तों मद्देनजर रखते हुए इनको हम थोड़ा सा स्किप करेंगे। और यहाँ पर जो हमने सुन रखा है ये देख सकते हैं आप, ये कॉम्बो मेरे हाथ में है। तो ये कॉम्बो के बारे में बहुत सुन रखा था दोस्तों, ये स्टार फार्म कंपनी के जो है कॉम्बो होते हैं दोस्तों, और बहुत ही अच्छे होते हैं ये कॉम्बो ऐसा मैंने सुना है। अगर आपके बर्ड को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि आपका बर्ड जो है मोशन में आ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी मोशन पकड़ लेता है और बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो मोशन खत्म नहीं हो रहा है, तो इन चीज़ों से जो है आपके बर्ड केयर वगैरह, मैं अभी इसकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ। और आज का वीडियो दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ ओनली रिव्यू पर होने वाला है, मतलब आज के वीडियो में मैं आपको इनको रिकमेंड या सजेस्ट नहीं करूँगा। पहले मैं इन्हें यूज़ करूँगा अपने बर्ड्स के ऊपर, और फिर हफ्ते दो हफ्ते के बाद जो रिजल्ट निकलता है या मेरे बर्ड जो प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, जो मेरे बर्ड देखिए फूले भी बैठे हैं एक दो बर्ड इसके अंदर, तो वो बर्ड अगर इस चीज़ से सही हो जाते हैं तो मैं आपको बिल्कुल रिव्यू करके बताऊंगा। तो अभी डिटेल से इस वीडियो को समझ लीजिए दोस्तों, फिर आपको ये खरीदना है या नहीं खरीदना है, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब कुछ मैं आने वाले वीडियोस में शेयर करूंगा। तो अभी इसको पहले तो जैसा कि मुझे बताया गया है, जिस तरह से ये आप 5 का कॉम्बो आता है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर फोटो दिख रहा होगा, 5 पीस का ये कॉम्बो होता है। और इसके अंदर दोस्तों अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ, ये छोटी वाली शीशी से जो मुझे यहाँ पर हाथ में दिख रही होगी आपको, स्क्रीन पर सभी के फोटो में शो करता जाऊँगा। कैल्सी करके दोस्तों इसका नाम है, कैल्सी नाम है, और ये इस पर एक बर्ड का फोटो भी बना हुआ है। अब कैल्सी से आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये जो है ओरल लिक्विड कैल्शियम फॉर्मूला है। यहाँ पर स्क्रीन पे आपको सब कुछ शो हो रहा होगा, इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है वो भी मैंने शो कर दिए हैं, तो आप लोग दोस्तों पढ़ लीजिएगा। और इसके अंदर दोस्तों लिखा हुआ 30 ml फॉर 3 ml 10 बर्ड्स के लिए, मतलब 3 ml लगभग आप 10 बर्ड्स को दे सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी जो है वो दोस्तों डिसाइड अभी करना पड़ेगी, या फिर मैं आपको बता देता हूँ इसकी क्वांटिटी लगभग आप रख सकते हैं 200 ml पानी के अंदर, आप इसे 3 ml तक के मिला सकते हैं। तो 200-300 ml पानी में आप इसे प्रोवाइड करिए दोस्तों, हफ्ते में इसे देना है ओनली 3 days, इस चीज का आप ख्याल रखिएगा। तो ये कैल्सी है, इसे आप दीजिए, बहुत अच्छी चीज है। अब दोस्तों अगर आपके बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं, उसको आप अगर ब्रीड कराना चाहते हैं, हीट पे लाना चाहते हैं, तो बहुत जबरदस्त सा ये फॉर्मूला मेरे हाथ में, पर इसको मैं आगे बताऊंगा दोस्तों, तो इसको अभी हम स्किप करते हैं। और साथ ही साथ अब जो मोशन की प्रॉब्लम आती है,
और मोशन की प्रॉब्लम के लिए ये वाला जो सिरप है ये उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, बताया था, जिनसे मैं पूछकर दोस्तों ये लेकर आया हूँ। तो इसका नाम है दोस्तों बर्ड केयर का हर्बल प्लस और प्रोटेक्ट लीवर टॉक्सिक, इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीज इम्यूनिटी सिस्टम एंड ईच द। तो आप दोस्तों ये चीज़ समझ सकते हैं कि ये जो है बर्ड की इम्यूनिटी बढ़ाएगा, बर्ड्स के फैदर के कलर्स बहुत अच्छे करेगा और साथ ही साथ अगर आपके बर्ड्स को मोशन लगे हुए हैं तो मोशन की प्रॉब्लम से तो दोस्तों आप बिल्कुल समझ लीजिए ये चीज़ें यूज़ कराने से मोशन बिल्कुल ख़त्म होने वाले होंगे। और इसको भी यूज़ दोस्तों 3 ही दिन कराना है। और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, मतलब कि अभी केवल मैंने ये लेकर आया हूँ, यूज़ नहीं कराया है तो मुझे इनका रिजल्ट नहीं पता है, तो रिजल्ट दोस्तों आपको आगे पता चलेगा आने वाले वीडियोज़ के अंदर। तो इसका भी आप समझ सकते हैं बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, जैसे हम आगे यूज़ कराते हैं ये 3 दिन इसको भी देना है। और इसका जो 10 ड्रॉप्स लिखा हुआ है 30 ml वाटर के अंदर 10 ड्रॉप्स तक के आप इसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये बड़े बर्ड्स के लिए होगा दोस्तों, 10 ड्रॉप मतलब कि लगभग 1 ml के लगभग होगा ये। छोटे साइज के डोज इसमें लिखे हुए हैं, बड़े डोज के लिए आप इसे 5 ml तक 1 लीटर में यूज़ कर सकते हैं किसी भी दवा को। हमारे कुछ दोस्त भाई हैं जिनकी कॉलोनी में बहुत सारे बर्ड्स हैं दोस्तों, उन्होंने ये चीज़ यूज़ कराई है और उन्हें यूज़ कराने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, अंडों की क्वांटिटी का ढेर लग गया दोस्तों उनके यहाँ पर और चिक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी आई है। इस बार हम भी यूज़ कराएंगे और हमारी इस कॉलोनी के अंदर भी बहुत सारे चिक्स आने वाले हैं इन मेडिसिन के द्वारा दोस्तों। तो अब ये 2 मेडिसिन और हैं मेरे हाथ में और इसके बाद एक लास्ट बचेगी दोस्तों, जिससे कि ब्रीडिंग होगी बहुत ज़बरदस्त। अगर ब्रीडिंग आपके यहाँ नहीं हुई है तो वो ज़रूर सुनिएगा दोस्तों। तो अभी यहाँ पर मेरे हाथ में बर्ड केयर, ये दोनों दोस्तों इसलिए मैंने एक साथ उठाए क्योंकि अगर आप इसको यूज़ कराते हैं तो आपको इसको भी यूज़ कराना होगा, मतलब कि इन दोनों को साथ में जब यूज़ कराएंगे तो ये दोनों डबल पावर के साथ अपना काम करेंगी। अगर आप एक यूज़ कराएंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि ये काम नहीं करेगी, करेगी ये भी, पर दोनों को साथ में यूज़ कराने से डबल पावर से ये काम यूज़ करेगी। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेता हूँ, बर्ड केयर है, इसको आप डेली बेसिस पे प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इसकी बॉटल पे भी लिखा हुआ है और जिन्होंने इसको मुझे प्रोवाइड किया था वो भी बता रहे थे डेली बेसिस पे आप इसे अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ इसके अंदर क्या क्या है दोस्तों वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसके कंटेंट आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे, फोटो आप देख रहे होंगे, इस तरह का ये है और 10 ड्रॉप्स फॉर 30 ml वाटर, इसमें भी वही सेम टू सेम चीज़ लिखी हुई है जो कि उस वाली शीशी पर लिखी थी। पर इसे भी हम लगभग, अब जैसे मेरे पास ज़्यादा बर्ड है अभी कॉलोनी में यूज़ कराऊंगा तो 1/2 लीटर पानी तो कम से कम मैं लूँगा, तो उसके अंदर इसको मैं 2.5 ml यूज़ करूँगा। यहाँ पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट भी लिखी, तो ये ज़रूर देखकर आप चेक करके लीजिएगा कहाँ से मिलेगी, मैं आगे बताऊँगा दोस्तों। तो ये है हमारी बर्ड केयर और इससे जो इसका जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, हेल्थ ग्रोथ इससे बहुत अच्छी होगी, अगर आपके बर्ड के कलर नहीं आ रहे हैं तो कलर बहुत अच्छे आएंगे और बेटर ब्रीडिंग रिजल्ट को भी ये इम्प्रूव करेगा दोस्तों। मैंने मोशन के लिए ये आपको बर्ड केयर बताया ही था हर्बल प्लस का, और ये वाला जो बर्ड केयर है ये वाला जो है आप डेली बेसिस पे देंगे तो इससे जो है आपके बर्ड की जो है ब्रीडिंग रिजल्ट भी बहुत इम्प्रोवाइज होगा। इंक्रीज बर्ड रेसिस्टेंस ऑफ डिसीज, मतलब ये आपके बर्ड को जो है दोस्तों बीमार बिल्कुल नहीं होने देगा, जो फूले वगैरह बर्ड बैठे रहते हैं तो बीमारी जो है आपके केस से ख़त्म होने वाला है दोस्तों। तो इसके साथ का जो कॉम्बो है वो है बर्ड बूस्टर, ये देखिए बर्ड बूस्टर नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, स्क्रीन पर फोटो आप शो हो गया होगा तो नाम से आप समझ सकते हैं दोस्तों ये है बर्ड बूस्टर, मतलब कि ये बर्ड को जो है बहुत ही तेज़ी से बूस्ट करेगा आपका। इसके बेनिफिट है दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, रिलीज बर्ड स्ट्रेस, इंक्रीज बर्ड एनर्जी, ये बर्ड को एनर्जी प्रोवाइड करेगा, साथ साथ अगर आपका बर्ड स्ट्रेस में है तो उससे भी ये बर्ड को निकालेगा दोस्तों। और यहाँ पर देखिए इन दोनों शीशी के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है, नीचे आप पढ़ सकते हैं, दोनों शीशी के यहाँ पर फोटो मैंने शो कर दिए हैं, फॉर बेटर रिजल्ट यूज़ अलॉन्ग विथ बर्ड केयर, इस पे लिखा है ऐसा, और इसके ऊपर लिखा है फॉर बेटर रिजल्ट यूज अलॉन्ग विद बर्ड बूस्टर, मतलब इसके साथ आप इसको यूज कराएं और इसके साथ इसको, तभी इनका रिजल्ट जो मैंने शुरू में आपको बात कही थी, तो यहाँ पर ये चीज दोस्तों सिद्ध होती है। तो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट अवेलेबल है वो यहाँ पर मैंने शो कर दिया है, 1 स्पून आप इसको 500 ml वाटर के साथ प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म में नहीं है, अभी तक जो मैंने आपको मेडिसिन दिखाई वो लिक्विड फॉर्म में थी, अभी ये 2 जो मेडिसिन हमारे पास बची हुई है फोटो में आपको दिख रही होंगी, ये दोनों की दोनों जो है दोस्तों पाउडर फॉर्म में, तो पाउडर फॉर्म के अंदर ही आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बर्ड बूस्टर बता रहा था दोस्तों। और गाइस लास्ट ये पैकेट हमारे पास बचता है, इसका नाम है ब्रीड प्लस, आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पर इसका फोटो शो हो गया होगा और ये भी बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है दोस्तों ब्रीड प्लस, मतलब कि अब इसके अंदर जो है कंटेंट वो अवेलेबल है जिससे कि आपका बर्ड अगर हीट पर नहीं आ रहा है तो इससे हीट पर आ जाएगा, अगर आपके बर्ड के अंडे कम आ रहे हैं तो अंडे ज़्यादा आने लगेंगे, अगर वो ब्रीडिंग नहीं कर रहा है तो वो ब्रीडिंग भी करने लगेगा दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इस तरह से आपको इन्हें प्रोवाइड करना है, हफ्ते के अंदर 3 दिन तक के आप ये वाली चीज़ प्रोवाइड करें,
मतलब कि बर्ड केयर प्रोवाइड करें हेल्थ प्लस का, 3 दिन तक आप कैल्शियम प्रोवाइड करें, ये 3-3 दिन का कोर्स करा लें। और दोस्तों ये वाली जो दोनों मेडिसिन है इन्हें आप लगभग पूरे हफ्ते दे सकते हैं, मतलब ये दोनों का कोर्स करने के बाद फिर इन्हें प्रोवाइड करें। और उसके बाद जो हमारा ब्रीड प्लस है उसको भी आप 1 स्पून जो है 1/2 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके प्रोवाइड कर दीजिए। तो जैसा कि अभी मैंने इसे यूज़ नहीं कराया दोस्तों, मैंने बता दिया ये सब कॉम्बोस को, तो अब मैं यूज़ कराऊंगा, उसके बाद क्या रिजल्ट होगा। आज केवल रिव्यू के ऊपर ये वीडियो था कि ये मेडिसिन किस तरह से मैं लेकर आया हूँ और अभी इन्हें यूज़ कराने वाला हूँ, तो आपको ओनली रिव्यू दे दिया है। आगे का वीडियो दोस्तों इसके रिजल्ट के ऊपर आएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर से अगले इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू गाइज।